मंत्रिपरिषद के मेरे साथी वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, वित्त राज्य मंत्री श्रीमान जयंत सिन्हा जी, आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी, वित्त सचिव श्रीमान राजीव महर्षि जी, डॉक्टर हसमुख अढ़िया जी, सीएमडी सिडबी, उपस्थित सभी महानुभाव, हमारे देश में एक अनुभव ये आता है कि बहुत सी चीज़ें परसेप्शन के आसपास मंडराती रहती हैं और जब बारीकी से उसकी ओर देखें तो चित्र कुछ और ही नज़र आता है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति को पूछो तो उसको लगेगा कि भाई ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने हैं, उससे रोजगार ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो चित्र कुछ और होता है। जिसमें इतनी ज़्यादा पूंजी लगी है, इतने सारे तामझाम, हवाबाजी, ये सब हम देखते आए हैं, लेकिन अगर जब बारीकी से देखें, क्योंकि अल्टीमेटली हम विकास में रोजगार हमारी प्राथमिकता है, और भारत जैसा देश जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, जहां पर 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, उस देश ने अपनी विकास की जो भी नीतियां बनानी हो उसके केंद्र में ये युवा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो बराबर मैच कर लिया तो हम नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। ये जितने बड़े बड़े उद्योगों की हम चर्चा सुनते आए हैं उसमें सिर्फ 1,25,00,000 लोगों को रोजगार मिलता है। 125,00,000 देश में 125,00,000 लोगों को रोजगार, ये जो बहुत बड़े बड़े लोगों को जिनके लिए दुनिया में चर्चा रहती है, आधा अखबार जिनसे भरा पड़ा रहता है वो देते हैं, लेकिन इस देश में छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति करीब 5,70,00,000 लोग 12,00,000 लोगों को रोजगार देते हैं। उन 125,00,000 रोजगार देने वाले लोगों के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं सक्रिय है, लेकिन 12,00,000 लोगों को रोजगार देने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी हम मदद करें तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है इसका हम अंदाज कर सकते हैं। और इस 5,75,00,000 जो एक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो स्वरोजगार एक प्रकार से हैं, दर्जी होंगे, कुम्हार होंगे, टायर का पंक्चर करने वाले लोग हैं, साइकिल की रिपेयरिंग करने वाले लोग हैं, अपनी एक ऑटो रिक्शा लगा करके काम करने वाले लोग हैं, सब्जी बेचने वाले, गरीब गरीब लोग हैं, उनका पूरा जो कारोबार है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिसाब लगाए जाए तो 11,00,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा उसमें पूंजी नहीं लगी है। यानी सिर्फ 11,00,000 करोड़ रुपयों की पूंजी लगी है, 5,75,00,000 उसका नेतृत्व कर रहे हैं और 12,00,000 लोगों का पेट भरते हैं। ये बातें जब सामने आई तो लगा कि देश में स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए, देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई है। मेरा अपना एक अनुभव इसमें काम कर रहा था, क्योंकि सिर्फ
आर्थिक जगत के लोगों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय करना उतना सरल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अनुभव बहुत काम आता है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तो मैंने पतंग उद्योग की तरफ थोड़ा ध्यान दिया। अब गुजरात में पतंग एक बड़ा त्योहार भी हो रहा है के रूप में मनाया जाता है और ज्यादातर अच्छा वो पूरा एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है और लाखों की तादाद में गरीब मुसलमान उस काम में लगा हुआ है। 90% से ज्यादा पतंग बनाने वाले का काम गुजरात में मुसलमान करता है, लेकिन वो वही पुरानी चीजें करता था। वो पतंग उसको अगर तीन कलर का बनाना है तो तीन कलर के कागज लाता था, पेस्टिंग करता था और फिर पतंग बनाता था। अब दुनिया बदल चुकी है, तीन कलर का कागज प्रिंट हो सकता है, टाइम बच सकता है। तो मैंने चेन्नई की एक इंस्टीट्यूट को काम दिया कि जरा सर्वे कीजिए इनकी मुसीबत क्या है, उन्होंने पूरा कठिनाइयां क्या है। अनुभव ये आया कि छोटे छोटे लोगों को थोड़ी मदद की जाए, थोड़ा स्किल डेवलपमेंट हो जाए, थोड़ी पैकेजिंग सिखा दिया जाए, आप उसमें कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मुझे आज कहने से आनंद होता है कि जो करीब 35 करोड़ का पतंग का बिजनेस था, थोड़ी सी मदद की वो पतंग का उद्योग 500 करोड़ क्रॉस कर गया था। फिर मेरी उसमें जरा रुचि बढ़ने लगी तो मैं कई चीजें नई नई करने लगा। बांस वो लाते थे आसाम से, कारण क्या, तो पतंग में जिस बांस के पट्टी की जरूरत होती है वो साइज का बांस गुजरात में होता नहीं था। तो मैंने ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों को पकड़ा, मैंने कहा बांस हमारे यहाँ ऐसा क्यों ना हो दो घाट के बीच अंतर ज़्यादा हो ताकि वो हमारा ही लोकल बांस का प्रोडक्ट उसको काम आ जाए, बांस वो बाहर से लाता है तो उसका फाइनेंस की व्यवस्था हो। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग कंपनी को बुलाया, मैंने कहा जरा पतंग वालों से बैठो, पतंग के ऊपर कोई एडवर्टाइजिंग का काम हो सकता है क्या, उनकी कमाई बढ़ सकती क्या। छोटी छोटी चीज़ों को इतना मैंने ध्यान दिया था और मुझे उतना आनंद आया था उस काम में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004। कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो बिल्कुल उपेक्षित सा काम था उसमें थोड़ा ध्यान दिया गया, फाइनेंस की व्यवस्था की गई, उसने एक तेज गति से आगे बढ़ा। ये ताकत सब दूर है। आप देखिए हर गांव में दो चार मुसलमान बच्चे ऐसे होंगे, इतने इनोवेटिव होते हैं, टेक्नोलॉजी में ईश्वर दत्त उनको कृपा है, वो तुरंत चीजों को पकड़ लेते हैं। आप एक ताला उसको रिपेयर करने के दीजिए, दूसरे दिन वो ताला वैसा बना करके दे देगा। जिनके हाथों में ये परंपरागत रीति कौशल्य है, ऐसे लोगों को अगर हम मदद करें और वो कुछ गिरवी रखे तब मिले, तो उसके पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सिवाय कि उसका ईमान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है उसका ईमान। ये गरीब इंसान की जो पूंजी है ईमान, उस पूंजी के साथ मुद्रा अपनी पूंजी जोड़ना चाहता है ताकि वो सफलता की पूंजी बन जाए और उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं। कुमार है, अब बिजली गांव में पहुंच गई है, वो भी चाहता है कि मैं मटकी बनाता हूं और चीजें बनाता हूं लेकिन अगर इलेक्ट्रिक मोटर लग जाए तो मेरा काम तेज हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बैंक के लिए इनके पास उतना समय भी नहीं है और उतना नेटवर्क भी नहीं है। लेकिन मैं आज यहां बैंक के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मेरे शब्द लिख करके रखिए, एक साल के बाद बैंक वाले क्यों लगाएंगे मुद्रा वालों के यहां और कहेंगे भाई 50 लाख हमको क्लाइंट दे दीजिए। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में हिंदुस्तान की बैंक सेक्टर ने जो काम किया है, मैं जितना अभिनंदन करूं उतना कम है जी, जितना अभिनंदन करूं उतना कम है, कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि बैंक के संबंध में सोच बनी हुई थी कि भाई बैंक यानी इस दायरे से नीचे नहीं जा सकते, उन बैंक के लोगों ने
गर्मी के दिनों में गांव गांव घर घर जाकर के गरीब की झोपड़ी में जाकर के उसको देश की फाइनेंस की मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया और इस देश के 14 करोड़ लोगों को बैंक खाते से जोड़ दिया। ये ताकत हमने अनुभव की है तो उसका ये अलग एक नया स्टेप है। आज वैसे एक और भी अवसर है, सिडबी का रजत जयंती वर्ष है, सिडबी 25 साल की उम्र हो गई और मूलतः सिडबी का कारोबार इसी काम से शुरू हुआ था, छोटे छोटे लोगों को। लेकिन जितनी तेजी से, क्योंकि भारत देश रिदमेटिक वे में प्रोग्रेस करे तो अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, हमने उस रिदम से बदल करके जंप लगाने की जरूरत है, हमने दायरा बढ़ाने की जरूरत है, हमने अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ने की आवश्यकता है। और सामान्य मानवीय का अपना अनुभव है, आप देखें हिंदुस्तान में जहां पर विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, पैसों के विषय में शायद ऐसी ईमानदारी कहीं देखने को मिलेगी नहीं। उनको अगर 5 तारीख को पैसा जमा करवाना है तो 1 तारीख को जाके जमा करवा के दे आ जाते हैं। बचत हमारे यहां स्वभाव है, उसको और जरा ताकत देने की आवश्यकता है, हमारी परंपरागत वो शक्ति है। मुद्रा बैंक के माध्यम से व्यवसाय के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में जो निचले तबके पर आर्थिक व्यवस्था में रहे हुए लोग हैं वे हमारा सबसे बड़ा क्लाइंट, हमारा सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है, हम उसी पर फोकस करना चाहते हैं। इन 5 करोड़ 75 लाख जो छोटे व्यापारी हैं और उनका एवरेज कर्ज कितना है, पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ की उनकी पास पूंजी है, टोटल पूरे देश में कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है वो, और एवरेज कर्ज निकाला जाए तो एक यूनिट का एवरेज कर्ज 17,000 है, सिर्फ 17,000, यानी कुछ नहीं है। अगर उसको 1 लाख के कर्ज की ताकत दे दी जाए और उसको इतना अगर जोड़ दिया जाए और ये 11 लाख करोड़ है वो 1 करोड़ तक अगर पहुंच जाए, हम कल्पना कर सकते हैं देश की इकोनॉमी को, जीडीपी को नीचे से ताकत देने का इतना बड़ा फोर्स जो कि कभी अनटैप था। और इसलिए जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए थे तब हमने कहा था बैंक नहीं, उसको बैंक से जोड़ेंगे। आज जब हम मुद्रा लेकर के आए हैं तो हमारा मंत्र है जिसको फंडिंग नहीं हो रहा है, जो अनफंडेड है उसको फंडिंग करने का हम बेड़ा उठाते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शुरू के समय में सामान्य व्यक्ति जाएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि बेचारे को अनुभव बहुत खराब है, वो कहता है भाई मुझे तो साहूकार से ही पैसा लेना पड़ता है, 24% 30% इंटरेस्ट देना पड़ता है, मैं वही मुझे आदत हो गई है, वो विश्वास नहीं करेगा कि उसको इस प्रकार से ऋण मिल सकता है। हम ये एक नया विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है, ये मैसेज मुझे देना। और ये मुद्रा के कंसेप्ट के द्वारा उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में वैल्यू एडिशन, इतनी बड़ी संभावनाएं हैं, अगर उसकी एक विधा को डेवलप कर दिया जाए तो हमारे किसान को कभी संकटों से गुजरना नहीं पड़ेगा। और ये छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर के माध्यम से ये पूरा नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है, जो सामान्य किसान जो सामान्य पैदावार करता है उसमें वैल्यू एडिशन का काम करे और स्थानीय स्तर पर करे, कोई बहुत बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, अपने आप उसका काम आगे बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं आम उसको बेचना है तो बेचारे कम पैसा मिलता है, लेकिन अगर एक छोटा सा यूनिट भी हो और आम में से अचार बना दे तो ज्यादा पैसा मिलता है, और अचार को भी अच्छा बढ़िया बोतल में पैकिंग करे और ज्यादा पैसा मिलता है, और कोई नटी बोतल लेके खड़ी हो जाए तो और ज्यादा पैसा मिलता है, एडवर्टाइजिंग होता है तो। यानी
वक्त बदल चुका है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ गई है। हम ऐसे छोटे छोटे लोगों को ताकत देना चाहते हैं और उनको अगर ताकत मिलती है तो देश की इकोनॉमी की नीचे की धरातल जितनी ज्यादा मजबूत होगी उतनी देश की इकोनॉमी को लाभ होने वाला है। और जब ये मैंने आंकड़े बताए तो आप भी चौंक गए होंगे कि इतना बड़ा तामझाम, 125 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं और जिसकी ओर कोई देखता नहीं है वो 12 करोड़ लोगों के पेट भरता है, कितना बड़ा अंतर है। ये जो 12 करोड़ लोग हैं 25 करोड़ को रोजगार देने की ताकत देते हैं, वो पोटेंशियल पड़ा है। और ज्यादा कोई शासकीय व्यवस्था में बड़े बदलाव की भी जरूरत नहीं है, थोड़ी संवेदनशीलता चाहिए, थोड़ी समझ चाहिए और थोड़ा प्रोएक्टिव रोल चाहिए। मुद्रा एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया गया है जिस प्लेटफॉर्म के साथ उसको आज छोटी मोटी फाइनेंस की व्यवस्थाएं चल पड़ी है, दुनिया में कई जगह पे प्रयोग हुए हैं माइक्रो फाइनेंस के। मैं चाहूंगा कि हम पूरे विश्व में माइक्रो फाइनेंस के जो सक्सेसफुल मॉडल है हम भी उसका अध्ययन करें, उसकी जो अच्छाइयां हैं, जो हमारे लिए सूटेबल है हम इसको अडॉप्ट करें। और हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है कि जो चीज नागालैंड में चलती है वो महाराष्ट्र में चलेगी जरूरी नहीं है, विविधता चाहिए, उन विविधताओं के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने मॉडल बनाए, उसकी रिक्वायरमेंट करें। वरना हम दिल्ली में बैठ करके टेलर के लिए ये और फिर कहेंगे कि तुमको ये मिलेगा तो मिल नहीं बैठेगा, वो वहां है उसी को पूछना पड़ेगा भाई बताओ तुम्हारे लिए क्या जरूरत है। ये अगर हमने कर दिया तो हम बहुत बड़ी मात्रा में समाज के इस नीचे के तबके को मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से सामान्य व्यक्ति की चिंता करना ये हमारा प्रयास है और आपने इस सरकार के एक एक कदम देखे होंगे, गतिशीलता तो आप देखते ही होंगे, वरना सामान्यतः देश में योजनाओं की घोषणा को ही काम माना जाता था और आप रोज नई योजना की घोषणा करो तो अखबार के आधार पर देश को समझने वाले जो लोग हैं वो तो यही मानते हैं कि वहां बस देश बहुत आगे बढ़ गया और 2-4 साल के बाद देखते हैं कि वहीं के वहीं रह गए। हमारी कोशिश है योजनाओं को धरती पर उतारना। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये सीधा सीधा दिखता है, पहली योजना दुनिया में सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर का काम गैस सब्सिडी में, 13 करोड़ लोगों के गैस सब्सिडी, सिलेंडर की सब्सिडी सीधी उसके बैंक खाते में चली गई। यानी अगर एक बार निर्णय करें कि इस काम को पूरा करना है, और हर काम को आप देखिए, जब हमने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात कही करीब करीब 125 दिन के अंदर उस काम को पूरा कर दिया। जब हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद हम आगे बढ़े 100 दिन के भीतर भीतर हमने पहल का काम पूरा कर दिया। और आज जब बजट के अंदर घोषणा हुई 50 दिन भी नहीं हुए है आज योजना आपके सामने रख दी और ये फंक्शनल होगी और उसका परिणाम मैं कहता हूं 1 साल, मैं ज्यादा समय नहीं कह रहा, 1 साल के भीतर भीतर हमारी जो एस्टैब्लिश बैंकिंग सिस्टम है वो मुद्रा के मॉडल की ओर जाएगी, मैं दावे से कहता हूं आपको, क्योंकि इसकी ताकत, उसकी ताकत पहचान में आने वाली है। वे अपना एक लचीली बैंकिंग व्यवस्था खड़ी करेंगे, कोई बहुत बड़ी ऑफिस चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, ऐसे बैरफुटेड बैंकर्स तैयार हो सकते हैं जो मुद्रा के मॉडल पर बड़ी बड़ी बैंकों का भी काम कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कम से कम धन लगा करके भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम इसके साथ सरलता से हो सकता है। और ये लोग जो संकट से गुजरते हैं, ब्याज के चक्कर में गरीब आदमी मर जाता है, उसको बचाना है और उसकी जो ताकत है उसके लिए अवसर देना है, उस अवसर की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश में ये जो वर्ग है उसकी जितनी चिंता करते हैं उतनी ही देश के किसान की चिंता करना उतना ही जरूरी है। किसी न किसी कारण से देश का किसान प्राकृतिक संकटों से जूझ रहा है। गत वर्ष वर्षा कम हुई, वर्षा कम होने के कारण वैसे ही किसान मुसीबत से गुजारा कर रहा था और इस बार
जितनी मात्रा में बेमौसमी वर्षा और ओले गिरना, इतनी तबाही हुई है किसान की। हमने मंत्रियों को भेजा था, खेतों में जाकर के किसानों से बात करके परिस्थिति का जायजा लिया। कल इन सारे मंत्रियों से मैंने डिटेल में रिपोर्ट ली थी, इन किसानों को क्या मदद कर सकते हैं। और मैंने पहले दिन कहा था कि किसान को इस मुसीबत से बचाना, उसका साथ देना, उसको संकटों से बाहर लाना, ये सरकार की, समाज की, हम सब की जिम्मेवारी है। और किसान की चिंता करना ये आवश्यक है। नेचुरल कैलेमिटी पहले भी आई है, लेकिन सरकार के जो पैरामीटर रहे हैं उन पैरामीटर्स में आज के संकट में किसान को ज़्यादा मदद नहीं मिल सकती है। और इसलिए ये संकट का की व्यापकता इतनी है, और उस समय है जबकि उसको फसल लेकर के बाजार में जाना था, एक प्रकार से उसके नोटों का बंडल ही जल गया, उस प्रकार का हम कह सकते हैं। इतना बड़ा उसका, उसके पूरा पसीना बहाया हुआ यह हालत हुई है। और इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी को भी आदेश किया है कि बहुत ही प्रोएक्टिव होकर के उनकी तुरंत मदद की जाए। बैंकों को हमने आदेश किया है कि बैंक भी उनके जो कर्ज हैं उनके संबंध में किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर करें ताकि उनको इस संकट से बाहर लाया जाए। सरकार की तरफ से भी एक बहुत बड़ा अहम निर्णय हम करने जा रहे हैं। अब तक खेत में 50% से ज़्यादा अगर नुकसान हुआ हो तभी वो उस मदद पाने के लिस्ट में आता है। 50% से ज़्यादा नुकसान होगा तभी आप मदद मिल सकती है, अगर 50% से कम हुआ है तो मदद नहीं मिल सकती है। राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी एक सुझाव था कि साहब ये नॉर्म्स बदलना चाहिए। हमारे मंत्री अभी जाकर के आए, उन्होंने प्रत्यक्ष देखा, और ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय हमने किया है कि अब किसान का वो जो 50% के नुकसान वाला जो दायरा था उसको बदल करके 33% भी अगर नुकसान हुआ है तो भी वो किसान हकदार बनेगा। उसके कारण मुझे मालूम है बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, लेकिन किसान को 50% वाले हिसाब में रखने से उसको ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। 33% जो कि कईयों की मांग थी उसको हमने स्वीकार किया है और उसको हम दूसरा विषय है उसको जो मुआवजा दिया जाता है। देश में आज़ादी के बाद सबसे बड़ा निर्णय पहली बार हुआ है 50% को हमने 33% लाना। और दूसरा महत्वपूर्ण जो आज़ादी के बाद आज तक इतना बड़ा जंप नहीं लगाया है किसानों को मदद करने में, हम इतना बड़ा जंप इस बार लगा रहे हैं और आज उसको जो मदद करने के सारे पैरामीटर्स हैं उसको अब 1.5 गुना कर दिया जाएगा। अगर उसको नुकसान में पहले 100 रुपया मिलता था 150 मिलेगा, लाख मिलता था तो 1.5 लाख मिलेगा, उसकी मदद 1.5 गुना कर दी जाएगी। कभी हमारे यहाँ इंक्रीमेंटल होता था 5%, 2%, 50% वृद्धि, और ये किसान को तत्काल मदद मिले। राज्यों ने सर्वे का काम किया है, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको आगे बढ़ाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे देश के किसानों को जितनी मदद हो सके उतनी मदद करने के लिए ये सरकार संकल्पबद्ध है, क्योंकि आर्थिक विकास की यात्रा में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमारे जीवन नैया चलाने में भी किसान का बहुत बड़ा योगदान है। बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, हम सब मिलकर के किसान को इस संकट की घड़ी से हम बाहर लाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार मैं सिडबी की इस रजन जयंती वर्ष के प्रारंभ पर उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और सिडबी आने वाले दिनों में नए लक्ष्य को लेकर के और नई ऊंचाइयों को पार करने में सफल होगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुद्रा प्लेटफॉर्म, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आने वाले दिनों में देश की आर्थिक जो पक्की धरोहर है उसको जानदार बनाना, शानदार बनाने के काम में मुद्रा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी।
और ये पूंजी उसकी सफलता की कुंजी बने, ये मंत्र को हम चरितार्थ करेंगे। इसी एक शुभ आशय के साथ आज इस महत्वपूर्ण योजना को प्रारंभ करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा हमेशा भारतवासियों को एक नई ऊर्जा देती है माननीय।